दोस्तों बनाना चाहते हैं ऐसी खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी, एक एक दाना मोतियों की तरह खिला हुआ, तो इस वीडियो में जान लीजिए साबूदाना की खिचड़ी बनाने के हर टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कभी भी आपका एक भी दाना आपस में चिपके नहीं और आपकी खिचड़ी भी हमेशा इसी तरह से खिली खिली बने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया है साबूदाना हाफ कप। एक जने के लिए हम खिचड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए आधा कप साबूदाना लिया है और इसमें हम डालेंगे 3-4 कटोरी पानी, जिससे कि हम साबूदाने को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ कर सकें, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। साबूदाने में बहुत सारा स्टार्च होता है, जिसके कारण अगर आप उसको अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो वो चिपक जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाला स्टेप करें, साबूदाने को बहुत अच्छी तरह से 3-4 बार पानी में धो लें। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से सारे साबूदाना रगड़ रही हूँ और धीरे धीरे आप देख रहे हैं पानी भी सफ़ेद होता जा रहा है। तो ये स्टेप आपको 3-4 बार करना है। जब पानी बिल्कुल क्लीन आ जाए, इसका मतलब सारा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल चुका है, साबूदाना साफ हो चुका है, तब हम इनको पानी डालकर भीगने के लिए, सोक होने के लिए रख देंगे। चलिए ये पानी मैं डिस्कार्ड कर लेती हूँ और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी। इसको अच्छे से पानी में भीगने देंगे रात भर, कम से कम 4 से 6 घंटे आप इसको सोक होने रखिए और इसको ढक देंगे। हमेशा ढककर छोड़िए अपना बर्तन और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको दिखाती हूँ। कभी भी बहुत ज़्यादा पानी आप ना डालें साबूदाने में, इतना ही डालें कि वो सोक कर ले और फूल कर दाने मोटे हो जाएं। हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी का साबूदाना इस्तेमाल करें। लो क्वालिटी में कई बार ऐसा होता है कि दाना अच्छी तरह से फूलता नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं साबूदाने ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है। एक एक दाना खिला हुआ है और इनका साइज़ भी डबल हो गया है। साइज़ डबल होना एक पहचान है और दूसरी, ये देखिए दाना इस तरह से आप दबाकर देखेंगे तो वो मैश हो जाएगा, इसका मतलब सॉफ्ट हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप, एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें 1/4 कप, जितना हमने साबूदाना लिया था उससे आधा मेजरमेंट से, यानी कि मैंने आधा कप साबूदाना लिया था तो 1/4 कप मूंगफली के दाने लिए हैं और इनको रोस्ट करेंगे सूखा ही। और जब ये करारे हो जाएंगे तो हम इनको मिक्सी में दरदरा कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं चाहिए दोस्तों। दरदरा रखते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, नटी टेस्ट जो आता है खिचड़ी में वो बहुत अच्छा लगता है। तो मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट इसी तरह से मूंगफली चलाइए, करारी हो जाएंगी। ठंडी होने के बाद मिक्सर जार में उसको डालें और क्रश कर लें। 2-3 बार आप पल्स करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, दरदरे हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक चूरा मैंने नहीं किया है, इनको दरदरा रखा है और ये भीगे हुए साबूदाना पर डाल लेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए। जब ये सारे साबूदाना के मोती इसमें लिपट जाते हैं मूंगफली में, तो ये आपस में चिपकते नहीं हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये वाला स्टेप आप ध्यान से करें। अगर आपको लग रहा है कि मूंगफली का पाउडर कम है तो आप थोड़ी और मूंगफली करारी करके इसी तरह से क्रश करके मिला सकते हैं। अब है हमारा थर्ड स्टेप। तो हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करेंगे और टेम्परिंग बनाएंगे। तो हम यहाँ पर डाल लेंगे घी गरम होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, मैंने कद्दूकस किया हुआ है, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, 1 हरी मिर्च काटी है मैंने बिल्कुल बारीक, और इनको हल्का सा सौते होने देंगे। 8-10 पत्तियाँ करी पत्ते की डाल लेंगे और अब हम डाल देंगे अपना साबूदाना जो हमने मूंगफली में कोट किया था। फ्लेम इस वक्त सिम रखेंगे और सारा साबूदाना इसमें डाल देंगे और अब मीडियम से सिम फ्लेम पर हमें इसको लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। इसी बीच आप देखेंगे कि आपके साबूदाना ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और इसी तरह से मिक्स कर लेंगे कि जिससे हमारी सारी सीजनिंग्स इस पर आ जाएं। अब टाइम है इसमें नमक डालने का। तो ये मैंने डाला है 3/4 चम्मच सेंधा नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च, जो कि हम व्रत में खाते हैं। आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों साबूदाना का जो ये ट्रांसपेरेंट कलर हो जाता है ना, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है।
मुझे इतने प्यारे लगते हैं ये ट्रांसपेरेंट से मोती, इन्हें देखकर ही मज़ा आ जाता है। अब इसमें डालेंगे हम आधा नींबू, और अगर मेजरमेंट्स में ले तो 2 चम्मच नींबू का रस हमें चाहिए। अगर आपका नींबू छोटा है तो आप और भी डाल सकते हैं। और फिर से एक बार अच्छी तरह से इनको अलट पलट कर मिक्स कर लेंगे। अभी भी फ्लेम चल रही है, हमारी खिचड़ी कुक हो रही है साइड बाय साइड। आप देख सकते हैं कितने प्यारी हमारी खिचड़ी बनी है, बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ। दोस्तों इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें मैं आपको बता सकती हूँ, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप एक उबला हुआ आलू छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें मिला सकते हैं। आप चाहे तो आलू को डीप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मुझे ऐसे ही बिना आलू के पसंद है और करी पत्ता डालकर, तो मैंने उसी तरह से बनाई है। आप अगर आलू डालकर खाना चाहते हैं तो आलू डाल सकते हैं, व्रत में आलू भी खाया जाता है। देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी बिल्कुल खिली हुई बनी है। अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर खिचड़ी थोड़ी स्टिकी हो गई है, तो आप थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर क्रश करके मिला सकते हैं। और इसको ना ढक के नहीं छोड़ते हैं, आप इसको ढक कर कभी मत पकने छोड़िए, खुला इसको पकाइए मीडियम टू सिम फ्लेम पर 3-4 मिनट लगातार चलाते हुए। हमेशा आप देखेंगे कि आपकी खिचड़ी खिली हुई बनी है, कभी भी आपके साबूदाने चिपकेंगे नहीं आपस में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसको आप व्रत वाली हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बनानी सिखाई थी, उसकी लिंक आप इस वक्त आई बटन पर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्रत वाली हरी चटनी की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं और इसके साथ बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ, कितनी अच्छी हमारी खिचड़ी बनी है। एंड आई होप इसी तरह आप भी अपनी खिचड़ी बनाएंगे एक एक दाना खिला हुआ। जो इम्पॉर्टेंट टिप्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उनका ध्यान रखिए, उनको फॉलो करते हुए बनाइए। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज देयर, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आप लोगों से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत खुशी होती है मुझे जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आप कुछ पूछते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, एक एक कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। आई ऑलवेज कंसिडर माई व्यूअर्स एज माई फैमिली। इन दिनों मैं डेली नवरात्रि से रिलेटेड वीडियोस डाल रही हूँ, उन्हें देखने के लिए आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ सके। रेसिपीज़ के अलावा मैं हेल्थ टिप्स पर, ब्यूटी टिप्स पर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी वीडियोस डालती रहती हूँ, जिन्हें देखकर आप अपडेटेड रह सकते हैं कि क्या चल रहा है इन एंड अराउंड। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।